Assalamualaikum student, I hope you all are fine. This is your new countdown book, class 5. Student, now open your book, page number 7. Page number 7, question number 5. Write vertically and add. Student, page 7, question number 5. Write vertically and add. First one is 3,564,121 plus 2,473,565. सॉल्व वर्टिकली आपको सॉल्व करना है. वर्टिकली का मतलब आप सबको ही पता होगा, क्लास 4 में भी आप लोग वर्टिकली सॉल्व कर चुके हैं. एडिशन एडिशन करना है आपको, प्लस करना है. ठीक है, वर्टिकली मींस ऐसे यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी. ये जो मार्जिन लाइन आप लोग ड्रा करते हैं कॉपी में, वो आपकी वर्टिकली ड्रा होती है. तो यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको वर्टिकली करना है. फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, दो वैल्यूज की सेंटर में सांचो हो रही है प्लस की एडिशन की. ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप पे राइट डाउन की जाएगी और जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो बॉटम में राइट डाउन की जाएगी. कैसे देखिए, फर्स्ट है 3,564,121. यहाँ पे कॉमा शो हो रहा है, मैंने जो अभी वैल्यू राइट डाउन किया कॉमा शो नहीं हो रहा, तो आप इस वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं बाहर कॉमा के विदाउट कॉमा, या कोई भी वैल्यू आप रीड कर सकते हैं. 7 digit 6 digit वैल्यू नहीं, कोई भी नहीं रीड कर सकता जब तक कॉमा नहीं शो. तो जहाँ पे कॉमा शो हो रहा है 4 और 1 के सेंटर में, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे. 3 और 5 के सेंटर में कॉमा लगाएंगे. अब सेकंड वैल्यू की आपकी 7 digit है, तो ये फर्स्ट वैल्यू 7 digit है, सेकंड की 7 digit है, इसके नीचे इजीली हम इसे राइट डाउन कर सकते. मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी 3 से 2 और मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया है, आपको नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आप भी गैप दे दीजिएगा ताकि जो डिजिट जिसके नीचे हो वो क्लियरली आपको नजर आए. ओके स्टूडेंट, तो 3 के नीचे 2, 5 के नीचे 4 आएगा, 7, 3, 5, 6 एंड 5. ठीक है, एडिशन कर रहे हैं हम, एडिशन की साइन लगाइए. 1 plus 5 6, 2 plus 6 8, 1 plus 5 again 6, कॉमा है तो कॉमा शो होगा. 4 plus 3 7, 6 plus 7 13, 3 5 ऊपर कैरी शो किया जाएगा 1. 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 0 1 कैरी आएगा 3 ऊपर. 3 plus 1 4, 4 plus 2 6. ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ गया. 6,37,686 आपका आंसर. ओके, और आप लोग पेन से कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, क्लास 5 राइट वर्टिकली एंड एड, आप ब्लैक पेन से राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन भी आप ब्लैक पेन से राइट डाउन करेंगे, सॉल्व के बाद वाला वर्क आप ब्लू पेन से करेंगे. ठीक है, ये 2 लाइंस आपकी ब्लू पेन से होंगी और जो आपका आंसर है ये आप ब्लैक से शो कर सकते हैं. ओके, 2 लाइंस आपकी ब्लू से होंगी.
पेंटिंग या ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 2,655,132। फर्स्ट डिजिट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आप कितने डिजिट से? 7 डिजिट वैल्यू। और जो आपकी सेकंड वैल्यू है इसमें आपके इसमें 4 डिजिट है, लास्ट वाली वैल्यू में 5 डिजिट है। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, 7 डिजिट वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू के नीचे सेकंड वाली वैल्यू को कैसे एडजस्ट करूंगी? क्या मैं जो 2 है वो 2 से ही मैच कर दूंगी और 9 को मैं 6 के नीचे शो करूंगी, इस तरह से मैं यहां से स्टार्ट करूंगी? नो, अगर मैं ये 4 डिजिट में देखूंगी, 4 डिजिट है तो मैंने 4 डिजिट यहां पे शो कर दी, क्या मैं ऐसे प्लस करूंगी? नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से प्लस करूंगी तो ये रॉन्ग होगा मेरा आंसर। इस तरह की सिचुएशन जब आपके पास होती है डिजिट्स कम या ज्यादा होते हैं वैल्यू में, तो हम अपने राइट साइड से वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आपके पास 2984 है इसमें लास्ट वाला डिजिट 4 जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है इसके लास्ट डिजिट से मैच करेगा। ठीक है, मैं 4 को 2 के नीचे शो करूंगी, 8 मेरा 3 के नीचे शो किया जाएगा, 9 1 के नीचे एंड 2 5 के नीचे। यहां पे कॉमिक कॉमा लगा है तो मैं यहां पे कॉमा शो कर दूं। नेक्स्ट आपके पास है 34,103, तो इसके लिए भी मैं यही फार्मूला यूज करूंगी कि मैं अपने राइट साइड से वैल्यू को कंप्लीट करूंगी। लास्ट वाला 3 4 के नीचे आएगा, 0 आगे से कॉमा मैच हो जाएगा, 4 एंड 3 में इसके आगे लिखूंगी, 4 से आगे मैंने 3 लिखा। तो अब 5 वाली लाइन में आपके 3 आपको नजर आ रहा है कि 5 की लाइन पे 3 हर सेंटर में यहां कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहां पे 0 शो कर दूंगी ताकि आपकी एक सीक्वेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, कि 5 की रो 6 की रो आनी और 2 की दिखानी। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। एडिशन का क्वेश्चन है आपका, आपने साइन शो कर दिया। अब ऐड कीजिए 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 3 + 8 = 11, 11 + 0 तो आपका आंसर 11 ही होगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैंने 1 नीचे शो किया है और 1 कैरी बॉल की कैरी शो किया है 1 के ऊपर। 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 11, 11 + 1 = 12, 2 1 आएगा आपका 5 के ऊपर, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 4 = 12, 2 1, 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9, 6 और 2 के साथ कोई आपके पास वैल्यू नहीं है तो ये आपके डिजिट्स ऐसे आ जाएंगे। जहाँ पे कॉमा शो हो रहा है आप उसी सीक्वेंस में कॉमा लगाइए। ठीक है, अब आप अपनी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। 2,692,219। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी वैल्यू में डिजिट ज्यादा हो और बाकी की वैल्यू से डिजिट कम हो तो हम अपने राइट हैंड साइड से वैल्यू को कंप्लीट करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 1,030,499 plus 38,324 plus 5,687। ठीक है, वर्टिकली हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू को हम टॉप पे लिखेंगे, 1,030,499। सेकंड वैल्यू 5 डिजिट वैल्यू है तो फिर हम वही
डिजिट है, लास्ट वाले नंबर से ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, 7, 8, 6 एंड 5 कॉमा की सीक्वेंस है, बट आपके लास्ट वाले वैल्यू में कॉमा शो नहीं हो रहा, लेकिन आंसर में क्योंकि ये सीक्वेंस कॉमा की है तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एडिशन की साइन शो कर दें या जीरो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। प्रेस कीजिए 0 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, 0 शो करें, 1 भी आपका सिंगल है तो 1 भी शो होगा। जहां कॉमा लगा हुआ है उसी सीक्वेंस को कॉमा लगा दीजिए। अब आप वैल्यू को रीड कर सकते हैं इजीली, 1,074,510। पेज नंबर भी शो कीजिएगा, क्लास जिस पेज का आप वर्क कर रहे हैं वो भी जरूर शो कीजिएगा। आपका क्वेश्चन है मोर देन का, राइट द नंबर व्हिच इज 5000 मोर देन। ठीक है, मोर देन मींस क्या होता है, मोर मींस ज्यादा। ठीक है, तो आपके पास तो वहां पे टू वैल्यूज है, जब आप अपनी ये 220,045,624 में 5000 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितने ज्यादा आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आपको बताना है। तो जहां पे आपके पास मोर देन का वर्ड यूज होगा वहां पे आप एडिशन करेंगे। अब हमारे पास यहां पे टू वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमारी सेकंड वाली वैल्यू है वो मैं फर्स्ट टॉप पे राइट डाउन करूंगी, 20,045,624। ये आपकी 8 डिजिट वैल्यू, आपकी 4 डिजिट वैल्यू को इसके नीचे हमें शो करना है। ठीक है, ये तरीका तो सबको ही पता चल गया है ना, सबको समझ में आ गया, किसी भी बड़ी वैल्यू के नीचे हम छोटी वैल्यू किस तरह से शो करेंगे। ऐड कर रहे हैं हम प्लस साइन, आपने शो कर दी प्लस की, 4 प्लस 0 2 प्लस 0, तो जो आपका 2 है वही शो होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा तो जो आपका नंबर होगा वो ही आपको दिखेगी। ठीक है, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी 4 प्लस 1 5, 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आगे भी 0 और 2 के साथ कोई नंबर नहीं। ठीक है, तो आपने जो नंबर बट था वो ही कहाँ पे कॉमा आएगा, सीक्वेंस देख लीजिए कॉमा की, जहाँ आपके पास क्वेश्चन में लिखा लगा हुआ है कॉमा, आप आंसर पे भी उसी सीक्वेंस में कॉमा शो करेंगे। आपको मोर देन बताना था, अब आप बताइए कि आपका आंसर क्या आया है, जब आपने 20 मिलियन की वैल्यू में 5000 ऐड किए तो कितने ज्यादा आपके पास वैल्यू बढ़ गई, कितनी वैल्यू बढ़ गई आपके पास, 2 मिलियन पहले 20 मिलियन थी 45,000 थी, अब आपके पास 20 मिलियन 50,000 हो गए। ठीक है,
हमने 5000 ऐड किए तो 50000 20,50,624 ओके। तो जहां पे आपके पास मोर देन का वर्ड यूज होगा वहां पे आप वैल्यू को ऐड करें प्लस करें। Now last is 800 more than 12,695,382 solve। स्टूडेंट अब तो आपको समझ आ गया होगा मोर देन का मतलब क्या है और हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। जो आपकी 12 मिलियन की वैल्यू है ये मैं टॉप पे लिखूंगी 12,695,382 ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है। अब फर्स्ट वैल्यू में मैं 800 जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है 800 की मैं राइट साइड से इसे कंप्लीट करूंगी और यहाँ पे साइन शो कर दूंगी प्लस की ठीक है। ऐड कीजिए 2 + 0 8 + 0 8 3 + 8 11 1 के एक्स शो करेंगे 5 के ऊपर 5 + 1 6 9 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है 9 शो कीजिए 6 भी आपका ऐसे भी जाएगा 2 एंड 1 जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है 2 के बाद कॉमा है तो मैं यहाँ 2 के बाद कॉमा लगाऊंगी एंड 5 के बाद कॉमा है तो 5 को मल्टीप्लाई प्लस करके 6 आंसर आएगा मैं यहाँ कॉमा से लगाऊंगी। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है 12,696,182 ओके स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको और जितना मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ब्लू और ब्लैक पेन आपको कैसे यूज करना है बिल्कुल ये मोर देन की क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह से ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे सॉल्व की हेडिंग राइट और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो आप ब्लू पेन से करेंगे तो सॉल्यूशन की 2 लाइंस आप ब्लू से कीजिए और आंसर आप ब्लैक से शो कर सकते हैं ठीक है। आंसर आप ब्लैक से शो कर सकते हैं बट जो आपका क्वेश्चन है वो भी आप ब्लैक पेन से शो करेंगे और जो आंसर होगा आपका वो ब्लू पेन से लिखिए। इंडेक्स जरूर बनाइएगा जो भी आपको वर्क करवाया जा रहा है उन तमाम वर्क का जरूर इंडेक्स बनाए जिस स्टेट पे आपको वर्क दिया जा रहा है तो उस डेट के साथ इंडेक्स जरूर शो कीजिएगा अपनी कॉपी में। ब्लू और ब्लैक पेन आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं और दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं आपके एडिशन के। आई होप कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस आपके पास आई हैं आपने सब भी जो है अपने कॉपी में सारा वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा और ये भी बहुत सफाई से वर्क कीजिएगा। थैंक यू।